यह भारत का आखिरी चमत्कारी गांव। इस आखिरी गांव को मिला है भोलेनाथ का आशीर्वाद। मान्यता यहां कदम रखने से इंसान हो जाता है अमीर। इस गांव को होते हुए स्वर्ग गए थे पांडव। हर सोमवार हम आपको भोलेनाथ के रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिरों के दर्शन करवाते हैं, लेकिन आज आपको रूबरू करवाएंगे भारत के आखिरी गांव से। कहते हैं कि इस गांव को भगवान शिव का आशीर्वाद मिला है, इसीलिए यहां आने वाला हर शख्स अमीर बन जाता है। यही नहीं, इस गांव की और भी कई खासियत है जिनके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये चमत्कारी गांव, जिसका नाम है माड़ा। तो वहीं इसका पौराणिक नाम मणिभद्र है। टूरिस्ट यहां अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम देखने भी आते हैं। इसके अलावा गणेश गुफा, व्यास गुफा और भीम पुल भी यहां टूरिस्टों के बीच आकर्षण का केंद्र है। आपको बता दें, यहां सरस्वती नदी पर भीम पुल है। इसके बारे में कहानी प्रचलित है कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने के लिए रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती नदी ने मना कर दिया। तो भीम ने 2 बड़ी शिलाएं उठाकर उसके ऊपर रख दी, जिससे पुल का निर्माण हुआ। कहते हैं कि इस पुल से होते हुए पांडव स्वर्ग चले गए और ये पुल आज भी यहाँ विद्यमान है। इसके अलावा यहाँ गणेश गुफा और व्यास गुफा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि वेद व्यास ने माड़ा गाँव में ही महाभारत की रचना की थी। इन दोनों घटनाओं के कुछ चिन्ह अब भी यहाँ प्रमाण के रूप में मौजूद हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ये गांव अपनी अनूठी परंपराओं और जड़ी बूटियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ रडम्पा जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ हिमालय क्षेत्र में अचूक जड़ी बूटी भी मिलती है, जिसके लिए माड़ा बहुत फेमस है। हालांकि यहाँ के बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। यहाँ मिलने वाली कुछ उपयोगी जड़ी बूटियों में बालछड़ी है, जो बालों में रूसी खत्म करने और उन्हें स्वस्थ रखने के काम आती है। इसके अलावा खोया है, जिसकी पत्तियों से सब्जी बनाकर खाने से पेट साफ हो जाता है। यहाँ मिलने वाली पीपी की जड़ भी काफी प्रसिद्ध है। इसकी जड़ को पानी में उबालकर पीने से पेट साफ होता है और कब्ज की शिकायत नहीं रहती। पाखान जड़ी भी अपने आप में कारगर है। इसको नमक और घी के साथ चाय बनाकर पीने से पथरी की समस्या कभी नहीं होती और पथरी के इलाज की भी ये बहुत कारगर साबित होती है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।